बताऊंगी वनीला आइसक्रीम के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑलपर्स की क्रीम, और ये है मेरे पास वनीला एसन, ये है 1.5 कप मिल्क, और ये है हमारे पास कॉन्टैक्ट मिल्क। जो हमारे पास क्रीम है वो ठंडी होनी चाहिए, तो ये मैंने पहले से ओपन कर ली थी, तो अब हम इसको डालते हैं, ऐड करते हैं। मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दिया, अब हम इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेंगे। तो ये थी हमारे पास तकरीबन 200 ml, और हमने इसको 400 ml तक करना है, और हम इसको अच्छे तरीके से बीट करते हैं। अभी ये हमारी अच्छे तरीके से बीट नहीं हुई, हमने इसको 400 ml करना है। गैस ये देखें हमारे पास अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है, तकरीबन हमारे पास 200 ml थी और ये 400 ml के करीब हो चुकी है। तो ये देखें, ये देखिए अच्छे तरीके से हमारे साथ हमारे पास ब्लेंड हो चुकी है, सॉरी बीट हो चुकी है। तो हम इसमें ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट मिल्क, ये मैं इसमें कॉन्टैक्ट मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये मैं तकरीबन अभी 2 टीस्पून ऐड कर दिया है, अब मैं इसको फिर से बीट करूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी। देखिए हम इसको थोड़ा थोड़ा कॉन्टैक्ट मिल्क ऐड करेंगे और फिर हम इसको बीट करेंगे। अब मैं इसको इसमें तब हम इसमें कॉन्टैक्ट मिल्क थोड़ा सा और ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने और इसमें ऐड कर दिया है। तब मैं इसको बीट करती हूँ। अब हम इसमें वनीला आसन ऐड करेंगे, तो मैं इसमें थोड़ा सा वनीला आसन ऐड करूँगी। ये मैंने वनीला आसन ऐड कर दिया है। इसमें मैंने कॉन्टैक्ट मिल्क तकरीबन 6 से 7 टीस्पून ऐड किया है। अब मैं इसको बीट कर इस टाइप पे हम ये जो हमने मिल्क लिया था ये हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं इसमें फिर से थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। अभी हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह का कोई सा भी एयर कंटेनर ले सकते हैं। तो अब हम इसमें आइसक्रीम ऐड नहीं किए, अब हम आइसक्रीम का मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे। अब मैंने सारा इसमें मिक्सचर ऐड कर दिया है, अब हम 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में रखेंगे और फिर मैं आपको इसका ये जो हमारी आइसक्रीम है ये 2 से 3 घंटों के बाद रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया इसको डेकोरेट करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए। मैं इसको स्कूप की मदद से स्कूप बनाऊँगी। तो ये मेरा स्कूप एक रेडी हो चुका है, तो मैं दूसरा स्कूप भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसको कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट करूँगी। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, तो ये मेरी अब आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसका जिससे दिखाती हूँ, ये बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बन गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।